नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन और फिर से आपका स्वागत है आपके अपने आईटी नॉलेज चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी के फॉर्म और सरकारी वैकेंसी की फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहे इस प्रकार की वीडियो की सबसे पहले जानकारी। दोस्तों, चलिए आपको सिखाते हैं कि बीएसटीसी के फॉर्म को किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो और इसकी लास्ट डेट कब है। सारी जानकारी मैं एक एक करके बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों, सबसे पहले अपन क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं और इस पे साइट का नाम डालते हैं PREDELETE.com। ठीक है दोस्तों, ये डालने के बाद में अपन एंटर करते हैं। जैसे दोस्तों अपन ये साइट एंटर करते हैं तो अपने सामने एक ऐसा नया विंडो पेज खुलेगा। दोस्तों, जैसे ही अपन ये करते हैं, दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने की तिथि है जो लास्ट डेट 22/7 कर दी है और अप्लाई ऑनलाइन 15/6/2020 से ये शुरू हुआ है और इसको लास्ट डेट इस फॉर्म की 22/7/2020 कर दी गई है। और दोस्तों, इस बीएसटीसी का एग्ज़ाम लगेगा वो 30/8/2020 यानी 30 अगस्त को इसका एग्ज़ाम लगेगा। तो दोस्तों, इसकी लास्ट डेट को 17 जुलाई से बढ़ा के कर दी गई है, 22 जुलाई कर दी गई है। तो इच्छुक उम्मीदवार बीएसटीसी के फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको सिखाएंगे कि आप घर बैठे किस तरीके से आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर के द्वारा अपना बीएसटीसी का फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक कर देते हो, या क्लिक हो गया है, अब आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। जैसे आपका नाम है, जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, तो मेरा नाम है पवन कुमार कुमावत। पापा का नाम डाल देता हूँ के बाद में माता का नाम डालना है, इसमें आपका मोबाइल नंबर, इसके बाद में आपको मेल आईडी डालना है इस पे, डेट ऑफ बर्थ डालना है यहाँ पे आपको। जैसे दोस्तों आप ये पूरी जानकारी इसमें फिलअप कर दोगे तो आपको ये आपका बीएसटीसी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये कैप्चा रखा है, जैसे स्मॉल में है तो स्मॉल में डालना है, नंबर है नंबर डालना है, और कैपिटल है तो कैपिटल में डालना है। तो S7RKEC ये डालने के बाद में दोस्तों यहाँ पे नीचे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको सबमिट करना है। उसके बाद में आपके सामने एक नया टैब खुलेगा, कंफर्मेशन टैब, जिसमें आपको बताएगा कि ये जो आप श्योर हो, ये जो जानकारी आपने भरी है वो सही है, आप चेक कर लीजिए। उसके बाद में कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल नंबर पे पासवर्ड, एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आएंगे, उसके द्वारा आप इसको लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों, मेरे मोबाइल पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड आए हैं, मैं उसको लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिलते रहे सबसे पहले ऐसे वीडियो की जानकारी। और दोस्तों, नई नई सरकारी वैकेंसी की फॉर्म घर बैठे भरने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों अपने को यहाँ पे ये नंबर डालना है, उसके बाद में लॉगिन कर लेना है। जैसे अपन इसको लॉगिन करते हैं तो अपने सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जैसे दोस्तों अपना नाम आ गया है इसमें। दोस्तों, अब यहाँ पे
अपने को स्टेट सेलेक्ट करना है। और जैसे आप स्टेट सेलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद में आपका पता जो भी है आपका वो आपको डाल देना है। उसके बाद में दोस्तों जैसे आप ये पता ये सब कुछ कर देते हो, जैसे दोस्तों आप इसको फ्लिप कर देते हो, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ओके का ऑप्शन आएगा, ओके कर देना है। जैसे सबसे पहले बेसिक डिटेल आ जाती है, बेसिक डिटेल फिल करने के बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद में आपको आपके फोटो और साइन अपलोड करने होंगे, तो जैसे आपके फोटो और साइन ये अपलोड कर देना है। जैसे मैं अभी मेरा फोटो और साइन अपलोड कर देता हूँ, जैसे फोटो थोड़ी ब्राइटनेस ज्यादा हो रखी है तो अपने इसको कम कर देंगे। दोस्तों जैसे अपन अपनी फोटो को इसमें 50 KB के अंदर रखना है और साइन को 20 KB के अंदर रखना है। यहां से दोस्तों इसको अगर अपनी फोटो ऐसे कट के आ रही है तो यहां से नीचे लाइन आती है, इससे अपन फोटो को सही कर लेंगे और कंफर्म फोटो पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये होने फोटो साइन होने के बाद में एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगा, तो आपको यहाँ पे नो करना है। क्या आप अल्पशिक्षा संस्था के लिए आवेदन करना चाहते हैं? नो करना है। अगर आपके 12th में संस्कृत है तो आप संस्कृत सेलेक्ट कर सकते हो, अन्यथा आप जनरल से यस कर सकते हो, संस्कृत में नो करना है। अगर दोस्तों आपके 12th में, मैं दोबारा बताना चाहता हूँ आपको, अगर आपके 12th में संस्कृत है तो आपको यहाँ पे यस करना है और यहाँ पे नो करना है। इसके बाद में अगर आपके संस्कृत नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना है और जनरल यस करना है। ठीक है दोस्तों, जनरल से अगर आपके संस्कृत नहीं है तो यस करना है और यहाँ पे नो करना है। दोस्तों इसमें फीस 400 रुपये है और आप क्वालिफिकेशन आप सर सेकेंडरी पास 12th पास कर रखे हो, संस्कृत है या नहीं नो करना है। उसके बाद में सेकेंडरी आपने कौन सी ईयर में की वो आपको देख लेना है। जैसे सेकेंडरी का मैं देख लेता हूँ मेरे कौन सी ईयर में हुई है, 2013 में ये हुई है तो मैं यहाँ पे 2013 डाल देता हूँ। रोल नंबर डालना है अपने को, ये 09710, एक बार आपको ध्यान से देख लेना है, 09710 23। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में मैक्सिमम मार्क जो यहाँ पे नीचे आता है इसके वो डालना है, 600 में से 398। उसके बाद में सर सेकेंडरी 12th का डालना है, तो बेसिकली बात है 2015 में ये हुई है। उसके बाद में 12th का अपन देख लेते हैं 2015 में हुई है और इसका रोल नंबर है 1,59,739 1,59,739। उसके बाद में आपको ध्यान से इस फॉर्म को भरना है प्लीज, और फिर आपको यहाँ पे कितने में से कितने अपटेन मार्क कितने आए आपके, तो मैक्सिमम मार्क 500 में से आपके कितने आए वो आपको यहाँ पे डाल देना है, 500 में से आए 329। तो दोस्तों इस प्रकार, और यहाँ पे दोस्तों ये पूरा ध्यान से पढ़ने के बाद में यहाँ पे मैं निष्ठापूर्वक सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा भरे हुए जानकारी सही है, तो यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है और सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हो तो अपना डेटा सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है, अपने सामने ये एप्लीकेशन आ जाता है। दोस्तों जैसे ये एप्लीकेशन अपने सामने आता है तो अगर आपको इसमें कोई भी कमी रहती है तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हो, यहाँ एडिट पे जाके। दोस्तों